सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज और मैं हर्षित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं। पार्टी के कुछ नेता मुलायम सिंह को देना चाहते हैं अपनी किडनी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तबीयत पिछले 5 दिनों से स्थिर बनी हुई है। गुरुग्राम के मेहंदता अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री के मुख्य शरीर में कैरेटिन लेवल बार बार बढ़ता जा रहा है। आईसीयू में मुलायम की देखरेख के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। मेहंदता अस्पताल की तरफ से जारी हेल्थ अपडेट में बताया गया है कि मुलायम सिंह यादव जीवन रक्षक दवाओं के सहारे हैं। इस बीच सपा के 4 नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को किडनी डोनेट करने की इच्छा जताई है। इन लोगों ने इस संबंध में अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत इन दिनों काफी नासाज है। वे मेहंदता अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में अलीगढ़ के समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मुतजिम किदवाई ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। मुतजिम ने पत्र में कहा है कि वे मुलायम सिंह यादव के लिए अपनी किडनी दान देना चाहते हैं। इस तरह बरेली के 3 सभा पार्षदों ने अपने नेताजी के लिए किडनी दान करने की इच्छा जाहिर की है। वार्ड संख्या 49 से पार्षद गौरव सक्सेना, वार्ड 52 से पार्षद समीम अहमद और हिजापुर पार्षद से रईस मियां अब्बासी ने कहा है कि सालों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी किडनी दान करने के लिए मेहंदता अस्पताल के निदेशक को भी पत्र लिखा है। अभी की खबर के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए सर्च इंडिया न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।